प्रोग्रेसिव उर्दू टीचर एसोसिएशन महबूबनगर की जानिब से। हाल ही में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के जो नतायज पेश किए गए हैं, जिसके अंदर बहुत सारी गलतियां और कई तलबा को नुकसान हुआ है, जिसकी अपूटा महबूब नगर की जानिब से सख्त मजम्मत की जाती है, और साथ ही साथ ये कहते हुए कि इन बच्चों को इंसाफ मिले। हमने देखा कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में कई गलतियां रखी गई हैं, एक दो चार नहीं बल्कि तकरीबन सैकड़ों बच्चों को जो है ना इसका नुकसान हुआ है, जिसकी बिना पर बच्चे खुदकुशी करने के लिए आमादा हो गए हैं। ये मुनासिब बात नहीं है। हम समझते हैं कि इनको इंसाफ मिले। ऐसा हाल ही में जो नतायज हमारे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट तेलंगाना के हुए हैं, जिसके अंदर बहुत सारे गलतियों को दुरुस्त करने के लिए भी कमेटी तश्कील दी गई है, मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि जल्द से जल्द इन बच्चों को इंसाफ मिले। क्या हुआ, आप देखते हैं कि जो फर्स्ट इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में टॉपर रहता है बच्चा, और सेकंड ईयर में फिजिक्स में 8 मार्क्स लाता है, एक बच्चा जो है ना जिसके मार्क्स फर्स्ट ईयर में 43 फिजिक्स में है और पेपर इंटरमीडिएट सेकंड में जो है ना उसको 1 मार्क्स मिलता है, बच्चे गैर हाजिर हैं तो जो है ना पास किया जाता है, और जो बच्चे वहाँ अटेंड करके हाजिर होकर एग्ज़ाम लिखे हैं उनको जो है ना फेल किया जाता है। उर्दू के मार्क्स अरबी में डाले जा रहे हैं, अरबी के मार्क्स उर्दू में डाले जा रहे हैं। अरे क्या है आखिर ये तेलंगाना बोर्ड है, फिर क्या है, इंटरमीडिएट का ये हाल है तो फिर आगे का हाल बहुत बुरा होगा। हम हुकूमत से और सेक्रेटरी से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से ख्वाहिश करते हैं कि जल्द से जल्द इन बच्चों की रहनुमाई करते हुए इनको इनका बराबर हक मिले, और इसके साथ साथ जो बच्चे इससे मायूस हुए हैं, जो बच्चे खुदकुशी किए हैं, उनके घर वालों को हुकूमत की जानिब से कुछ ना कुछ जो है ना अगर अमाउंट दिया जाए तो बेहतर है, उनकी कुछ सहूलतें दी जाए तो बेहतर है। और हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया है कि जो है ना अव्वल से लेकर 12वीं जमात तक का बोर्ड बनाया गया है, अब हम इसका खैर मुकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं ऑलवेज प्रोग्रेसिव उर्दू टीचर एसोसिएशन महबूब नगर की जानिब से, जिससे बच्चे का मियार भी मालूम हो सकता है। हम हुकूमत के इस फैसले को खुश आमदीद कहते हैं और वेलकम करते हैं, और हम इसका भरपूर ताउन भी करेंगे, साथ भी देंगे और खुद साथ रहेंगे। और ये जो ऐलान किया गया है इसके ऊपर हुकूमत तेलंगाना, खासकर बी जनार्दन रेड्डी साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, खास तवज्जो फरमाए और एजुकेशन की तरफ जो है ना एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए खासकर जो है ना अपने रहनुमाना जारी करें। इंटरमीडिएट के नतायज में हालिया जो गलतियां सामने आई हैं, उसमें सोचने वाली बात यह है कि तलबा को रीवैल्यूएशन का टाइम दिया जाता है, रीवैल्यूएशन का मौका दिया जाता है। ये किस लिए होता है कि अगर कुछ गलती हो, क्योंकि जांचने वाले इंसान होते हैं, मैनुअल एरर के इम्कान रहते हैं, तो अगर गलती हो तो इसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन हमारे पास बच्चों में इतना पेशेंस कम हो गया है कि लोग उसका वक्त भी नहीं ले रहे, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसके लिए सिर्फ बच्चे ही ज़िम्मेदार नहीं हैं, औलियाए तलबा भी ज़िम्मेदार हैं कि हम लोग बच्चों के पढ़ाई पे इतना फोकस किए हैं कि बच्चों को अपने पढ़ाई से हटकर हम किसी और दूसरे मौक़े पे उनको तवज्जो देने का मौका ही नहीं दिए। ना रिश्तेदारों से तवज्जो है, रिश्तेदारों से कट गए, बड़े भाई की शादी है, बच्चा जैसे एग्ज़ाम में पढ़े एग्ज़ाम में नहीं, खाली सिर्फ अपने क्लासेस का अटेंड करने जा रहा है। कुछ ऐसे मौक़ों में यानी बच्चे रिश्तेदारों से कट गए, सोसाइटी से कट गए, सिर्फ एक टारगेट बना दिए हैं कि मार्क्स आना है 10/10 या 100 मार्क्स आना है। जब इस तरह का टारगेट देंगे बच्चों को आप टारगेट मत दीजिए बच्चों को कि आप हमारे मार्क्स आपके मार्क्स हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके मार्क्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बच्चा नहीं रहा, मार्क्स आ गए बच्चे के, जो बच्चा चले गया उसके मार्क्स आ गए, लेकिन आपका बच्चा नहीं रहा। ये हुआ क्यों कि हम लोग मार्क्स पे इतना फोकस किए कि एक मार्क्स भी अगर कम आ गया तो यहाँ बाद बच्चों को तो गलती से 0 भी आ गए हैं, बस अवखात तो 5 मार्क्स या 10 मार्क्स कंपटीशन में अगर भी कम आए तो बच्चे सुसाइड करने के ऊपर आमादा है। तो इस रुझान को कम करने की ज़रूरत है, इस रुझान को बदलने की ज़रूरत है। बस यही मेरा मौकूफ़ है कि इसको इस नज़रिए से भी देखा जाए।
कि बोर्ड में गलतियां हुई हैं उसको दुरुस्त करना चाहिए, जिनको गलती हुई है उसकी जो भी कार्रवाई है वो करनी चाहिए, लेकिन जहां पर वो गलती है यहां पर ये भी गलती है, इसको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बस यही मेरा मौक़िफ़ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि अभी हमारे कायद जनाब ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब अकूटा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जनाब नईम सिद्दीकी साहब, अभी इंटरमीडिएट बोर्ड के ताल्लुक से आप लोगों के सामने जो अल्फाज बोले हैं उसी के लिए और मैं थोड़े अल्फाज को इजाफा करते हुए, जैसा कि तुलबा व तालिबात अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए इंटरमीडिएट में जो गलतियां किए गए हैं उस खूबियों को, उस खामियों को दूर करने के लिए आप लोग इंतज़ार करें ताकि रीवेरिफिकेशन हो, उसके बाद उसके मार्क्स आप लोगों के सामने आएंगे तो बेहतर नतायज आप लोगों के सामने रहेंगे। तो मैं यही ख्वाहिश करता हूं कि आप लोग थोड़े दिन तक इंतज़ार करें जब तक कि वो मार्क्स आप लोगों के सामने ना आए। इंशाल्लाह हो सकता आप लोगों के मार्क्स बेहतर हों, इसलिए अल्लाह ताला शायद ये मौका फराहम करा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इंतज़ार करें और कामयाबी आपके कदम चूमेंगी।